ऑपरेटर्स लिखना था ना प्रोसीजर लिखना था ना प्रिकॉशंस लिखना थी सिर्फ ऑस्मोसिस डायग्राम बनाएं उसको लेबल करें और, और बात है आपको स्लाइड बना के एग्जामिनर को दिखाना होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज प्रैक्टिस में है वो यही है कि आपसे स्लाइड नहीं बनवाई जाती और आपको सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए कह दिया जाता है तो इस सूरत में डायग्राम के ऊपर आपके थ्री मार्क्स डिपेंड करेंगे तो अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको परफॉर्मेंस के और डायग्राम के सारे मार्क्स टोटल थ्री मार्क्स उसी के ऊपर मिल जाएंगे तो से इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन था वो था सोलन को उसके गानोशियम को, को, को एक्सप्लेन करना था टेक्निकल टर्म्स के अंदर इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर उसका लिंक मैं थंबनेल्स के अंदर एंड पे आपको दे दूंगा

जबकि डी के अंदर इनवर्टिब्रेट तो इनवर्टिब्रेट फाइलम का जो भी होगा आपको उसकी फाइलमेंशन करना होता है और ई e के अंदर वर्टिब्रेट होता है तो उसकी क्लास लिखना होती है तो यहाँ पे ए के अंदर सेक्शन ऑफ लिवर था बी में जुगलीना था सी में ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्कैल्टर मसल था डी में लीच थी और ई के अंदर टर्टल था उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है जिसमें तीन लॉन्ग क्वेश्चन थे आपको कोई सा एक अलॉट किया जाता है एग्जामिनर की जानब से जो आपने अटेम्प्ट करना होता है